catch re six re what a shot bro। तो गाइस प्रैक्टिस स्टार्ट है एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो वेलकम बैक टू चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। तो एक भाई यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है और सर आए हुए हैं। आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा तो डंडे से स्वागत करना चाहिए। यार गाइस आज मैं लेट हो गया क्योंकि कल 2 बजे तक हमने क्रिकेट खेला था कोर्ट में, फिर उसके बाद मैंने एडिटिंग करी थी तो मेरी आंख नहीं खुल पाई। तो अभी तो बच्चे आए हुए हैं, प्रैक्टिस चल रही है मॉर्निंग की देखो, और इसके बाद अपनी प्रैक्टिस चलेगी। तो एक बार इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कपड़े अंदर रख के आ जाता हूँ। बारिश आ रही है, अभी तो धूप हो रही थी, मैं सोचा कपड़े सूख जाएंगे। तुम्हारा भाई कपड़े धोने लग गया गाइस, कैसा दिन आ गया बताओ, कपड़े धोने पड़े। बाइक देखो बिल्ली के लिए रेडी है। मजबूरी नहीं यार गाइस, वो धोने पड़ते हैं मजबूरी में। क्या दिन खराब नहीं आए, वो कपड़े धोने पड़ते हैं। फिर भाई पता है पैर नीचे रखे करने विली सीख रहा, जो मेरे को सीखनी है ऐसे पैर नीचे रख के पूरा कंट्रोल। तो ये विली बड़ी खतरनाक है, अगर ये विली आ गई ना गाइस तो सारी चीज़ कर लोगे, कंट्रोल आ जाएगा बाइक पे। और एक चीज़ और गाइस, मतलब मैंने कल आपको बताया नहीं था, ये जो अकेडमी है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। तो लड़कियाँ भी काफ़ी आती हैं, अगर किसी को कोई मतलब लड़कियाँ जिनको मतलब स्टंट सीखना है तो वो भी आ सकती हैं। देखो ये भी लड़की है, स्टंट कर रही है विली, और ये तो वही कर रहा है। मेरा तो गाइस अभी दूसरा दिन है तो मैं तो अभी विली पे नहीं आया, बेसिक सिखा रहे हैं सर मुझे। अभी विली विली पे जिस दिन आ गया उस दिन एक टायर भी चलेगी गाड़ी। यार इसमें एग्जॉस्ट लग रहा, मेरी आवाज़ तो सुनती नहीं होगी आपको, है ना। और ये भाई यहाँ पे फुटबॉल खेलने आया था गाइस, इसकी तगड़ी तो इसकी कमाई है, जो इसके कोर्ट है ना, मतलब 1 घंटे के 1000 रुपये लेता है वो। 1 घंटे का 1000 लेता है ना, और 2 कोर्ट है। तो अभी आप कमाई सोचो, मैंने तो सारा काउंट कर लिया साल के कितने कमा रहा है। तो ये पता क्या करता है, देखो दिन में मतलब अगर 6-7 बुकिंग आती है ना, मान लो 10 बुकिंग आ गई, दिन की 10 तो आ ही जाती हैं, मान लो 5 आ गई तो दिन के 5000 कमा रहा है। तो 5 10 या 50 तो महीने के 1.5 लाख कमा रहा है। और ना संडे को बहुत ज़्यादा बुकिंग आती है तो महीने के 4-5 लाख रुपये कमा लेता है। मेरे को तो ये तगड़ा लगा, मैं सोच रहा हूँ अपने अलवर में ऐसा खोल देता हूँ और पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो गाइस मैं क्या बता रहा था, उस सर आने पाई अब चिकेंगे डंडे। तो गाइस मेरा तो बेसिक है, 1 हफ्ता बेसिक चलेगा। मतलब बेसिक मैं आपको बताता हूँ भाई, पूरा कंट्रोल मतलब हैंड सारा सब कुछ कंट्रोल करके वही चलेगा। उसके बाद विली पे आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है आप आओ और सर को बताओ कि ये स्टंट सीखना है तो सर वही सिखाएंगे, वरना सर अपने हिसाब से सिखाते हैं। और चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं और भैया, इन भैया की हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। तो कहाँ से हो भैया? वेस्ट बंगाल से, कर्नाटक से। और वो वाला भैया कहाँ से है? अमन भैया। तो ये भैया नए आए हैं, भैया का नाम क्या है आपका? राहुल। राहुल। तो भैया भी स्टंट सीखते हैं। तो भैया 4 दिन में हम 0 सर्कल मार रहे हैं अभी। 4 दिन में 0 सर्कल, 15 दिन में विली मारने का सोच रहे हैं। मैं भी मारूंगा, क्या होता है। और मैं भी 15 दिन में विली मारूंगा, एक बार बस विली आ जाए फिर तो जाएंगे, नहीं तो पेड़ तो दोनों में से एक तो ऊपर जाएगा। A few moments later. धूप देखो गाइस कैसी हो रही है, और कभी भी यहाँ का ना मतलब बारिश आ सकती है। 1 मिनट नहीं लगेगी धूप को जाने में, कभी बारिश आ जाएगी। तो गाइस 1-2 बज रहे हैं, मैंने सुबह की प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि सर की जो वाइफ है ना उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होगी तो सर वाइफ को दिखाने ले गए। अब अगर सुबह प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो शाम को तुम्हारी मतलब वो टाइम शाम को मिल जाएगा, लेकिन वो टाइम पूरी 2 घंटा ही होगी सुबह शाम। तो शाम को ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपको खाना दिखा रहा था, खाना लेके आ गए हैं भैया। तो खाना देख लो, घर का खाना है। देखो देखो घर से आता है तो खाना बड़ा टेस्टी रहता है। उस हिसाब से आ जाता है, जैसा आप 2 जने हैं तो 2 जनों का खाना आ जाएगा, और जितने जने हैं उतने जनों का खाना आ जाता है। तो अब हम खाना खा लेते हैं पहले। तो गाइस खाना खा लिया, और एक चीज़ और बताऊं आपको, यहाँ पे ना सुबह और शाम प्रैक्टिस करनी है, फिर पूरे दिन फ्री रहते हो आप। व्लॉग शूट करो, पढ़ाई करो, या फिर रील्स वगैरह बनाओ, एकदम फ्री रहते हो। सो नहाओ धो कुछ भी करो। और देखो गाइस ये आरसी देखो बाहर निकली हुई है, इसमें मॉडिफिकेशन देखो इन स्टंट के लिए क्या क्या कर रखा है। इसके ऊपर पर्सनल व्लॉग बना दो क्या, कि अगर आपको बाइक स्टैंड के लिए बनानी है तो क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, बताओ या फिर अभी बताऊँ? चलो इसको ऊपर ना एक पर्सनल व्लॉग बना दूंगा, है ना, KTM RC। दोस्तों मतलब स्टंट अगर आपको करने तो बाइक में क्या क्या एसेसरीज लगानी है, क्या क्या चीज़ें लगानी है जिससे स्टंट्स अच्छे होंगे और सेफ्टी के साथ होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन अलग से व्लॉग बनाएंगे और सारी बाइक्स में लगी हुई है एसेसरीज, लेकिन इसके ऊपर बना देंगे क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ जितनी भी RC है सब में से मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, तो इसके ऊपर अपन पर्सनल व्लॉग बना देंगे, ठीक है। गाइस प्रैक्टिस का वक्त आ गया और यहाँ पर देखो ये फुटबॉल चल रही है। ये अपने देश का नहीं है, ये अपना देश का एक भी नहीं है, देखो है ना, और देखो अपने देश का नहीं है कोई भी, सारे वेस्ट इंडीज के हैं। अरे बाबा ठीक है, कॉलेज वगैरह में आता है ना बाहर से स्टडी करने के लिए इंडिया, तो ये खेल रहे हैं अभी, कॉलेज के बच्चे हैं सारे, एक भी इंडिया का नहीं है। तो पहली बात तो ये बाइक स्टैंड जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो लोअर में नहीं करते, इसलिए पैंट पहननी पड़ेगी मुझे, मैंने अभी लोअर पहन रखी है। चलो गाइस मैं जींस पहन कर ना रेडी हो गया, हेलमेट ही यहीं है, अभी सर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनको करने दो। इतना मैं बताता हूँ, इन भाइयों को पता कहना क्या है। देखो ये जो वेस्ट इंडीज़ के इन सब को पता क्या कहना, इंडिया में क्या है, मतलब वो गाना नहीं सुना आपने, काले दिल लिबास दी शौकीन ने खुड़ी, दूर दूर भागे मेरे काले रंग। तो गाइस इंडिया में वही है थोड़ा सा। भाई मैंने पहली बार मेरी आंखों से देखा ऐसा, तो ब्लैक कलर भी नहीं होता, ये कांच भी नहीं होगा। सॉरी माय मिस्टेक। सर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलो सर मुझे एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे अंग्रेजों ने अपने इंडिया पे कब्जा किया था, वो सोना लूट के ले गए, अगर वेस्ट इंडीज वाला कब्जा करते तो क्या लूट के ले जाते? समझ रहे हो? सर समझ गए गाइस, और अगर आप भी समझ गए लंबे अगर आप भी समझ गए ना तो कमेंट कर दो क्या समझे आप, ठीक है। सर तो समझ गए और मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ यार, और 2 घंटे कराएंगे सर, आज मेरी वाट लगाने वाला है। में इधर घूमने का यहाँ पे कौन है ना, यहाँ पे घूम और पैर नीचे नहीं आना चाहिए, पैर नीचे आ गया ना 10 घंटे मारूंगा, 10 थोड़ा कम कर 1 मिनट आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी। तो ये देखिए आज का टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज इसको खाना नहीं मिलेगा। You are so heartless and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep, and you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la. गाइस टास्क पूरा हो गया, तो अब खाना लेने जा रहे हैं, खाना मिलेगा। टास्क पूरा हो गया, खाना लेने जा रहे हैं। भैया सीख रहे हैं राइट वाला सर्किल, इसके बाद अपन भी यही सीखेंगे। हेलमेट अंदर रखते हैं और आंटी के घर से खाना लेकर आएंगे, खाना खाएंगे, फिर शायद आज क्रिकेट खेलेंगे, पता नहीं, बट मज़ा आया आज क्योंकि मैंने सीख लिया। इसको रख देता हूँ, हेलमेट को ऊपर रख देता हूँ। यार गाइस आज मैंने ये भिगो रखे थे, देखो सोयाबीन चने वगैरह खाए नहीं, कल सुबह खा लेंगे इनको, तब तक इनमें वो निकल आएगी जड़ें, इन जड़ों को खा जाऊँगा उगते ही। और बैग रख दिया, बोतल रख दी, ग्लव्स रख दिए, अब चलता है फटाफट। पानी और पीना है गाइस, पानी खत्म हो गया इसमें। देखो हेलमेट देखो गाइस, 1 2 3 4 1 2 3 नहीं 1 2 3 1 2 3 6 हेलमेट है, एक वो रहा, एक ये रहा। हेलमेट तो काफ़ी है, प्यारे प्यारे हेलमेट है। क्रिकेट गाइस प्रैक्टिस खत्म हो गई, खाना खा लिया और अब क्रिकेट खेल रहे हैं बड़े वाले कोर्ट में। हाँ हल्का वाला बॉल है, मजे आएंगे इसमें, पता बॉल बाहर तो जाती नहीं, बस खेलो। इस टीम फाइनल होगी, मैं, भैया और वैभव भैया, सर नमाज और भैया, 3-3 है, मजे आएंगे, बॉल तो कहीं जाएगी नहीं। बस सर ने टॉस जीत लिया, एक हाथ से खेल रहे हैं और अब टारगेट देंगे, फिर हमारी बैटिंग, फिर देखना आप छक्के छक्के। Everything is here. No cheating. All right, shot hai bhai. Action replay देखेंगे हम, action replay देखेंगे। रुको मेरा decision. और catch रे. Six रे. What a shot bro. What a shot. छाटा डिजिटल चल रहा है गाइस, देखो गुस्सा नहीं, कितने आगे खेल रहा हाथ पिछले। ओ भैया उनकी गुस्सा नहीं, राकेश भैया गाइस रात के बज रहे 12:30 और यहाँ पे अभी भी ये शायद चाइना के तो क्रिकेट खेल के मज़ा आ गया, रात को मज़ा आता है गाइस क्रिकेट खेल के। तो अब गुड नाइट, मिलेंगे कल। कल करेंगे राइट साइड सर्किल, आज किया था लेफ्ट साइड, मस्त मज़ा आ रहा है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो गुड नाइट गाइस, राइट सेफ, गुड नाइट।